गगहा पुलिस ने पुखरी गांव में हुए डबल मर्डर में वांछित अंतिम अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके संबंध में गगहा थाना प्रभारी राज प्रकाश सिंह ने बताया कि टीम भलुआन चौराहे पर गश्त कर रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पुखरी गांव में हुए डबल मर्डर में वांछित अभियुक्त कौड़ीराम चौराहे पर खड़ा है। मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त की पहचान रामानंद शुक्ला पुत्र स्वर्गीय कौशल किशोर शुक्ला निवासी पानापार थाना बासगांव के रूप में ही, जो कि डबल मर्डर में वांछित अभियुक्त है। आपको बता दें कि पुखरी गांव में डबल मर्डर में 10 लोग नामजद थे। 9 लोगों की गगहा पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और आखिरी नामजद अभियुक्त रामानंद को भी जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गगहा थाना प्रभारी राज प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक प्रधान यादव, हेड कांस्टेबल वंश नारायण गौड़, कांस्टेबल दीपू कुंवर, रमेश प्रसाद शामिल रहे।